बिहार के अररिया लोकसभा सीट से सांसद प्रदीप सिंह का एक विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वहीं इस बयान के फैलते ही बिहार का सियासी टेम्परेचर भी बढ़ गया। बता दें कि बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने यह बयान उस वक्त दिया जब अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंचे हुए थे। वहीं इस बयान के एक हिस्से में प्रदीप सिंह ने यह भी कहा है कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म। इसके आगे वो कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का शादी करना हो तब जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं की एकजुटता की बात हो तब पहले हिंदू बनिए, बाद में जाति को ढूंढिए। कोई बोलता है कि देखो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू बनने क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वहीं सांसद प्रदीप सिंह के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 20 अक्टूबर की देर रात अररिया पहुंचे। अररिया में गिरिराज सिंह ने सांसद पप्पू यादव का नाम ना लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि मेरे लाश से गुजरना होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती पर होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकला हूं। वहीं इस दौरान अररिया सांसद प्रदीप सिंह का भी विवादित बयान सामने आ गया, जिससे राज्य का सियासी पारा और भी चढ़ गया है।